सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज हरी सालुंके और आप देख रहे हैं हरी सालुंके को। अभी हम लोग एक कार में एंड राइट नाउ 11 बजे है, हम लोग जा रहे हैं मलातज, बराबर मलातज जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। और आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे के नाइट को वहां पर क्या होता है, मांडवा होता है। मांडवा क्या होता है? मांडवा बोलते हैं। मांडवा क्या है गुजराती में? मलातज में ट्यूसडे की रात को पूरी रात वहाँ पर मांडवा टाइप होता है, मतलब छोटा सा डायरा टाइप। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और स्पेशली वो जो गा रहे हैं वो है क्या नाम था उनका, प्रवीण नूनी भाई। तो वो बहुत ज्यादा फेमस है, तो चलते हैं। एंड आज मतलब काफी टाइम के बाद हमने रात को चालू किया है व्लॉग, तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरे दिन वडोदरा में इतना ज्यादा गर्मी होता है ना, और रात के टाइम में थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा लॉन्ग ड्राइव जाने पे। तो चलते हैं। अभी हम लोग रास्ते में रुके थे क्योंकि बहुत जोर से टॉयलेट आई थी, अभी थोड़ा कुछ अच्छा लग रहा है। एंड अभी कुछ 18 किलोमीटर जैसा बाकी है वहाँ पर रीच करने में, तो अभी पता नहीं रास्ते में मतलब बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, पता नहीं चल रहा है कहाँ पहुँचे। इन लोग को रास्ता मालूम है, हमारी पूरी गैंग है पीछे, तो उस हिसाब से जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मलातज और जस्ट हमने पार्क किया, अभी जाएंगे अंदर। एंड काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर, लेजेंड में आपको दिखाता हूँ कि कितनी पब्लिक आई हुई है सुनने के लिए। और ये एक ट्यूसडे की बात नहीं है, हर ट्यूसडे यहाँ पर इतनी पब्लिक होती है। अभी हम लोग जस्ट दर्शन करके आ रहे हैं एंड अंदर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है कि फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं एंड कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं ले सकते, स्पेशली ट्यूसडे के दिन। बाकी आप रेगुलर डेज में आओगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं अंदर जाके एंड आराम से वीडियो शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब जैसे बोला कि पब्लिक में हम ब्लॉगिंग करेंगे तो सब लोग देखते रहेंगे, वैसे देख रहे हैं यहाँ पर घूर रहे। लेट्स सी, अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। अभी बजे सुबह के 3:30 एंड अभी हम लोग आनंद पहुंचे हैं, वडोदरा जा रहे हैं घर पे, बस और कुछ नहीं। ये वाला व्लॉग कैसे जाने वाला है, कैसे आने वाला है, कुछ भी आइडिया नहीं है, पर शायद से कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, बट लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो सीन ऐसा है कि मलातज से तो मैं रिटर्न आ चुका था, बट उसके बाद मैंने कुछ व्लॉग एंड नहीं किया क्योंकि सुबह में आया था 6:30 बजे, मैं तुरंत सो गया। एंड आज है सेकेंड डे और अभी बजे है रात के 7:39 एंड मैं जा रहा हूँ कश्मीर फाइल्स देखने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी लिया जाए अपने ये वाले व्लॉग में,
क्योंकि मुझे अभी टाइमिंग का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट व्लॉग्स बन रहे और यहाँ पर मतलब जो मलाहतज में शूटिंग किया वो भी पता नहीं चला कि कितने मिनट का हुआ। मैंने सोचा क्यों ना इसको भी ऐड किया जाए। तो जस्ट अभी हेत लेने आ रहा है मुझे, इमाम मॉल में मैं देखने जा रहा हूँ। अल्टर लॉग इज हियर। हमारे दीप भाई थोड़े से इंजर्ड हो गए हुए, बहुत फास्ट गाड़ी चलाने का नतीजा ये होता है। पुलिस वाले ने मार दिया। अभी हम लोग थिएटर में बैठ चुके हैं एंड पूरा थिएटर लाइक पूरा पैक हो चुका है। अरे मास्टर जी लगता है आज रिहर्सल रोकनी। अच्छा सबसे पहला मर्डर आपने किसका किया था? सतीश। कौन सतीश? सतीश कुमार टिक्कू। कौन था? पंडित लड़का था। मतलब वो पंडित था इसलिए मारा? आरएसएस का था। अच्छा मतलब आरएसएस का होना गुनाह है? जी। अच्छा आपने जिन्हें मारा उनमें से काफी आपके पड़ोसी आपके? मूवी खत्म हो चुकी है एंड लिटरली अभी मैं स्पीचलेस हूँ। ज्यादा ये मूवी को मतलब सिर पे नहीं लेना चाहिए, पर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है मूवी, तो जाके एक्सपीरियंस करिए खुद एंड फील करिए बस। आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद ही आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड ज़रूर से सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड आई नो बहुत दिनों से लाइक एक कोई धमाकेदार वाला वीडियो नहीं आ रहा है, लाइक एकदम फन टाइप ऑफ। सो उसके लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, बहुत जल्द वो भी आएगा, स्टे ट्यून उसके लिए। एंड या बस मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल फॉर द डे, गुड बाय माय फ्रेंड्स।